हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई आपकी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एकदम चटपटा सा पापड़ी चाट। तो चलिए बनाना शुरू करें पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे मटर ले लिया था, ये 250 ग्राम है मटर, और इसको हमने उबाल के रख लिया है। पहले इसको 4-5 घंटे के लिए हम सोख करके रख देंगे, उसके बाद इसको उबाल लेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा गल जाए मटर। और उसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रख के इसको थोड़ा सा सूखा होने तक भूनेंगे। इसमें हमने 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल हम लिए हैं, आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये मटर डाल के हम अच्छी तरीके से इसको खूब भून लेंगे, तो बढ़िया से, और ये खूब अच्छे से सूख जाए और हल्का हल्का मैश भी हो जाए इसके साथ में। उसके बाद हम बंद करेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से इसको खूब बढ़िया से इसमें मैश कर दीजिए, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और हल्का सा वो सूख जाए। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम और भी जो इसमें सामान मिलाएंगे मसाले उसमें भी नमक हो रहता है, इसलिए हम नमक बहुत हिसाब से डालेंगे। इस तरह से नमक इसमें डाल के और इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये और सूख जाए। उसके बाद चाट, पापड़ी चाट बनाने के लिए मटर जो है वो तैयार हो जाएगा बढ़िया से। फिर इसके बाद हम पापड़ी चाट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पापड़ी चाट के लिए मटर बढ़िया से बनके तैयार हो गया है, और इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इसके अंदर नमक डाला है और कुछ नहीं। इसको सबसे पहले, अगर आपके पास इस तरीके का मिट्टी का छोटा प्लेट जैसा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्लास्टिक वाले आते हैं दोने वाले, उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं इसको। इसमें डालने से इसका सोंधीपन बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से इसमें हम मटर डाल देंगे ये, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास धनिया की चटनी और ये इमली की चटनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऊपर से धनिया की चटनी थोड़ी सी इस तरीके से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें बढ़ा भी सकते हैं जैसा चाहिए आपको। डाल दिया, इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दही डालेंगे, देखिए इस तरीके से। दही आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको जिस तरीके का टेस्ट पसंद हो। और पापड़ी, पापड़ी इस पे हम 3-4 पापड़ी रख लेंगे पहले, और इमली की चटनी इस पे देखिए इस तरीके से, और उसके बाद प्याज, प्याज, धनिया की पत्ती कटी हुई, सेवपूरी और अनार के दाने, ये आप डाल दीजिए, और थोड़े से क्रश किए हुए अदरक हैं लंबे छल्ले में, ये डाल दीजिए, और हल्का सा इस पे काला नमक इस तरीके से, थोड़ी सी धनिया पिसी हुई, और थोड़ा सा इसमें ये भुना हुआ जीरा है, ये डाल के, और ऊपर से बहुत थोड़ा सा मात्रा और इमली की चटनी इस तरीके से डाल के आप बढ़िया सा एकदम चाट बनाइए, पापड़ी चाट, और इसका स्वाद लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया पापड़ी चाट बनके एकदम मस्त तैयार है, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप भी अपने घर पे बनाएं, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।